हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 2A स्विच के साथ रिमोट कंट्रोल की वायरिंग करेंगे। ये फ्रेंड्स बोर्ड लगे हुआ है जिसमें 4 2A स्विच है और 2 1A स्विच, एक सॉकेट, एक फैन रेगुलेटर और एक इंडिकेटर लगा हुआ है। इसमें हम 2A स्विच के साथ एक रिमोट कंट्रोलर की वायरिंग करेंगे। ये जो रिमोट कंट्रोल है इसके 4 चैनल है फ्रेंड्स। हम इससे 4 चीज़ को रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं और इसके साथ में 2 रिमोट आते हैं। ये फ्रेंड्स 2 रिमोट आते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमारे पास रिमोट नहीं होगा तो हम ये स्विच से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और रिमोट से भी हमारा कोई भी इक्विपमेंट लग गया, इसमें फैन हो गया, लाइट होगी, वो हम रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो बोर्ड है फ्रेंड्स, इसमें 2 प्रकार की पावर आई, एक इन्वर्टर पावर है और एक जो पावर हाउस की पावर आई है वो भी इसमें है। दोनों प्रकार की इसमें पावर है। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने से पहले हम ये बोर्ड को खोल लेते हैं। फ्रेंड्स चैनल का रिमोट कंट्रोलर है जिससे हम 4 चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक जो चैनल है उसके 3 टर्मिनल है। ये जो 3 टर्मिनल है ये एक चैनल के है, A B C। B जो टर्मिनल है इसका वो कॉमन टर्मिनल है फ्रेंड्स A और C का। ऐसे ये अलग अलग है। तो हम इसमें क्या करेंगे, B वाले में पावर ला के यहाँ कनेक्ट कर दें, पावर वाली वायर जो इनपुट फेज आएगा बी वाले में, इसके साथ सबको यहाँ से लूप कर देंगे। यानी कि 3 हमको 3 जो इक्विपमेंट है हमारे वो हमको इन्वर्टर पावर से ऑन ऑफ करने हैं, तो वो हम 3 को लूपिंग कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमने आपस में लूपिंग करके और इसमें इनपुट जो फेज देंगे वो वाली वायर कनेक्ट कर दी। ये वायर हम इन्वर्टर पावर में कनेक्ट कर देंगे और ये लूप के थ्रू सब में पावर आ जाएगी। इसके बाद हम ये जो चैनल है इसके आउटपुट में यानी कि ए वाले टर्मिनल में वायर कनेक्ट करेंगे। जो ए टर्मिनल है इसका उसमें वायर कनेक्ट कर लेंगे। ऐसी जो 3 नंबर में किया ऐसी हम 2 नंबर की वायर है उसमें भी कनेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ वायर कनेक्ट कर लेंगे। ये जो वायर है हम ये कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाली हमारी पॉइंट में चली जाएगी, जो 2A स्विच है उसमें कनेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स इसकी इनपुट फेज वाली वायर है जो हम इनपुट इन्वर्टर वाली पावर कनेक्ट करेंगे इनपुट, और ये जो 3 वायर है ये आउटपुट हो गई। जैसे हम रिमोट से इसको ऑपरेट करेंगे तो इसके आउटपुट में पावर आ जाएगी और हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो ऑन हो जाएगा। तो अब हम इसको स्विच के थ्रू वायरिंग कर लेते हैं। ये जो इनपुट फेज वाली वायर है फ्रेंड्स, ये वाली हम ये जो 2A स्विच है इसके नीचे वाले टर्मिनल को हमने एक कंडक्टर के साथ कॉमन कनेक्ट कर दिया, तो इसके साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। ये यहाँ सेंटर वाले के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम ये जो आउटपुट वायर जो निकली है इसकी आउटपुट रिले की, उसको हम 2A स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये एक चैनल की हमारी वायर होगी। इसके बाद 2 नंबर चैनल, इसके जो दूसरा 2A स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में वायर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद तीसरी आउटपुट, ये वाली जो 3 नंबर 2A स्विच है इसके ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे वायर। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी वायरिंग। अब हम जो पावर हाउस की पावर से ऑन करेंगे वो वाले 2A स्विच की वायरिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम एक वायर लेंगे और जो ये चैनल है फ्रेंड्स 4 नंबर चैनल है इसके बी वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये जो वायर है ये इनपुट फेज के लिए, जो पावर हाउस का फेज आएगा फ्रेंड्स पावर हाउस से, वो वाली वायर यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और
इसके बाद फ्रेंड्स इसके ए टर्मिनल में हम आउटपुट वायर कनेक्ट करेंगे। ये वाली इनपुट वायर हमने कनेक्ट की थी बी टर्मिनल में, आउटपुट टर्मिनल में जो ए टर्मिनल है उसका, वो आउटपुट टर्मिनल है उसमें वायर कनेक्ट करेंगे। ये जो आउटपुट वाल टर्मिनल वाली वायर है वो हम टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये इधर टू वे स्विच जो है इसके ऊपर वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। और जो इनपुट फेज आएगा वो वाली वायर हम जहाँ ग्रिड पावर का जो वायर आई है फेज वाली वायर वहाँ कनेक्ट कर देंगे उसके साथ, जैसे कि ये आएगी फ्रेंड्स तो इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ये फ्रेंड्स हमने इसकी वायरिंग कर ली है रिमोट कंट्रोलर की। ये फ्रेंड्स हमने टू वे स्विच के साथ रिमोट कंट्रोलर की वायरिंग कर ली है। अब हम इसमें इनपुट फेज वाली वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इनपुट फेज वाली वायर कनेक्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट कर देते हैं। ये जो सॉकेट का न्यूट्रल वाला टर्मिनल है ये वाला, इसमें हम न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करेंगे। ये जो ब्लू कलर की वायर है ये न्यूट्रल वायर है फ्रेंड्स, 2.5 की वायर है, ये न्यूट्रल वाली वायर है, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें जो हमारा पॉइंट है वो वाली वायर कनेक्ट कर लेंगे। ये लाइट वाली जो लाइट है उस वाला पॉइंट है, ये वायर हम टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरी जो लाइट है उस वाली वायर कनेक्ट कर लेते हैं। एक नंबर में हमने एक लाइट के कनेक्ट कर किए, दूसरे जो टू वे स्विच है उसके सेंटर वाले में कनेक्ट कर देते हैं। लाइट में न्यूट्रल जो रहता है वो डायरेक्ट रहता है और फेज वाली वायर है फ्रेंड्स वो स्विच के थ्रू रहती है, तो इसलिए इसको हम टू वे स्विच के सेंटर वाले में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम ये वायर है ये हमारी फैन वाली है, इसको हम फैन रेगुलेटर के साथ कनेक्ट करेंगे। टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल में हमने जो फैन रेगुलेटर में फेज जाएगा वो कनेक्ट किया और फैन रेगुलेटर के आउटपुट जो फैन वाली वायर कनेक्ट होगी वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, तो इसके साथ हम इसको कनेक्ट करके इसको अच्छे से टेप निकले उसके साथ कनेक्ट करके टेपिंग कर दिया। अब हम इसमें इनपुट फेज वाली वायर जो इन्वर्टर वायर है फ्रेंड्स, इन्वर्टर जो पावर है वो वाली हमारी ब्लू कलर की वायर है, 1.5 की वायर है, तो ये इनपुटर पावर वाली वायर है, तो इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये जो नीचे हमने तीनों टू वे स्विच के एक एक टर्मिनल को आपस में लूपिंग किया है इसी के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। उससे पहले हम स्विच को ऑफ कर लेंगे, तो ये वाली वायर यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। ये इन्वर्टर पावर है फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ कनेक्ट कर ली। और जो ये रेड कलर की वायर है ये हमारी ग्रिड पावर है, इसको हम जो सिंगल हमारा टू वे स्विच में एक में जो सॉकेट के लिए हमने लगाया है, हमने पावर हाउस की पावर वाली जो वायर है इनपुट फेज है वो यहाँ कनेक्ट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमको जो ये कंट्रोलर है हमारा रिमोट कंट्रोलर, इसमें 12 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई के लिए ये वाला टर्मिनल है जो कि हमारे पास हमने अडेप्टर लगा करके 12 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई के लिए ये वाली वायर हमको इसमें ध्यान रखना है नेगेटिव नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ लगा देना है। ये हम 12 वोल्ट इनपुट वाली वायर फ्रेंड्स हमने टू स्विच के साथ रिमोट कंट्रोलर की कंप्लीट वायरिंग कर ली है। अब हम स्विच को बोर्ड में लगा लेते हैं और अब हम जैसे ही रिमोट से इसको ऑन करेंगे, ये ए वाला स्विच को ऑन करेंगे तो एक लाइट हमारी जो इस स्विच के साथ है वो वाली ऑन हो गई है। बी को करेंगे तो बी वाली ऑन हो जाएगी और
फिर इसको दोबारा अगर प्रेस करते हैं तो फिर ऑफ हो जाएगी, और ये वाला जैसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ हो गई। ऑन करेंगे, जैसे इसको प्रेस करेंगे वहाँ ये जो रिमोट है उसमें एक LED ऑन होगी, तो ये अभी ऑन है तो इसको ऑफ़ कर देते हैं। ये वाली लाइट है इसको ऑन किया, अभी ऑफ कर लेंगे। उसके बाद सी में हमने जो हमारा फ़ैन है उसकी कनेक्शन किए थे तो ये ऑन कर देते, तो फ़ैन हमारा ऑन अभी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्के हल्के अगर आवाज़ आ रही होगी तो फ़ैन हमारा ऑन है, तो इसको ऑफ़ करेंगे तो ऑफ हो गया। और ऐसे ही जो डी वाला जो स्विच है इसका, वो सॉकेट स्विच से ऑन करना है, हमारे पास रिमोट नहीं है तो स्विच से ऑन करना है, यहाँ से स्विच से ऑन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी लाइट दोनों लाइट और ये फ़ैन भी ऑन हो गया है, ऐसे ही हमारा सॉकेट ऑन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।